हाँ जी गुरु प्यारे हो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल अते फेसबुक पेज उत्ते। सो जून महीना जो कि बड़ा दुखदायक है सिख कौम लई, 1 जून तो लैके 6 जून तक जंग हुई भारतीय फौज नाल अते सिंघां ने शहादतां दे जाम पीते। 1 तो लैके 6 जून तक युद्ध चलिया। 1 जून अते 2 जून की जो कार्रवाई है वो अपने तुहानू सुना दित्ती है वीडियो के रूप के। अज 3 जून है अते 3 जून नू की हुंदा है दरबार साहब ये दसांगे तुहानू। सो बने रहना वीडियो तो शुरू तो लैके अंत तक अते वीडियो नू शेयर अते लाइक जरूर करना। सो शुरू करते हैं। 2 जून नू भावें सारा दिन श्री अमृतसर शहर के करफ्यू रहा, इस दे बावजूद बहुत सारिया श्रद्धालु सिख संगतां शहर की संघनी आबादी वाले रस्तियां विचों दी हुंदे होए रात तक श्री दरबार साहब विखे पहुँच गई सन। 3 जून नू पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब होने के कारण संगतां दरबार साहब आने लई उतावलियां सन। जिवें ही करफ्यू विच ढिल होने की खबर का पता लगा तो हज़ारों की गिणती दे विच सिख श्रद्धालु श्री दरबार साहब पहुँचे। एक पासे संगतां दे मन विच 1 जून नू वापरी घटना बारे जानकारी प्राप्त करन दी तांग सी, दूसरे पासे गुरपुरब होण कारण संगत पहुँच रही सी। केवल शहर दीआं संगतां ही नहीं बल्कि दूर दुरेडे तो भी संगत पहुँची हुई सी जिन्हां ने हरिमंदर साहब विखे मत्था टेकिया। इस दे नाल ही 1 जून नू फौज वल्लों चलाईआं गईआं गोलियां दे निशान भी वेखे। एक दूसरे नाल गल्लबात करदिआं यही पुछिआ जा रिहा सी कि यह सब कुछ क्यों वापरिआ, पर किसे नूं भी कुछ भी पता नहीं सी। बस एक दूसरे दे चेहरिआं तों इस वापरे कांड दा दुख उहनां दे हाव भाव तों वेख्या जा सकदा सी। इसे तरह दर्शन इशनान उपरंत संगतां वक्ख वक्ख थावां ते सेवा विच लग गईआं। कंपलैक्स दे अंदरों गुरपुरब दे संबंध विच छबीलां लगीआं, लंगर हाल विच लंगर वरताए गए अते गुरबाणी कीर्तन दे प्रवाह लगातार चल रहे सन। दूजे पासे भारतीय फौज की आपां गल करिए, पहला ही जम्मू कश्मीर तो लैके श्री गंगानगर तक की अंतरराष्ट्रीय सरहद नूं पूरी तरह सील कर दिता गया सी। इस दे नाल ही घट्टो घट 7 डिवीजनां फौज दीआं पंजाब दे पिंडां अते वक्ख वक्ख इतिहासक गुरद्वारिआं दे विच कस्बिआं दे विच तैनात कर दित्तियां गईआं सन। इस दे नाल ही पंजाब दे नाल लगदे दूसरे प्रांत जिवें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अते राजस्थान दीआं हद्दां भी फौज ने अपने कंट्रोल दे विच लै लईआं सन। सो असल विच इह सब कुछ केंद्र सरकार दी पंजाब अते खास करके सिक्खां प्रति सौड़ी सोच दे कारण कीता जा रिहा सी, जो देश की आज़ादी तो लैके पिछले 36-37 सालों में सिखा कदे जराइम पेशा कौम, कदे वक्खवादी, कदे आतंकवादी आदि के नाम दे के बदनाम करने की कोशिश करती आ रही सी ये सरकार। पर सिख कौम देश की आज़ादी बदले हर तरह की बर्बादी झल के अपनी वक्री होने का प्रगटावा कर रही सी। सिखा वालों अपने हकों की प्राप्ति लई कदे पंजाबी सूबे के मोर्चे, कदे एमरजेंसी के मोर्चे, अखीर दे विच धर्मयुद्ध मोर्चे वर्गे अहम फैसले लए गए, जिस विच समुची कौम ने एकता का सबूत दिंदिआं केवल जेलां ही नहीं कट्टियां बल्कि शहीदियां भी दित्तियां। अजिही मार्शल कौम नूं लोकतंत्र दे ढंग तरीकियां दे बुरके हेठ अनेकां तरहां दे जुल्म तशद्दद नाल भी दबाया नहीं जा सकिआ। हुण सिखां दीआं हक्की मंगां पूरीआं ना करन बारे दुनिया नूं दसण लई केंद्र कोल कोई ठोस बहाना नहीं सी। सिखां नूं खज्जल खुआरी तों बिना देणा भी कुछ नहीं सी चाहुंदे। समुची कौम नूं सबक सिखाउण लई बहुत सोची समझी नीति तहत श्री हरिमंदर साहब ते हमला करन दा फैसला लिया गया तां कि भविख विच कदे भी सिख कौम सिर ना चुक सके। इसे लई पंजाब नूं देश अते दुनिया नालों अलग करके एक तरह नाल एक पिंजरे दा रूप दित्ता जा रहा सी। तां ही सिखां नूं हर पक्खों मजबूर, लाचार, अलग थलग करन दीआं कारवाइयां जोरां ते सन। सो केंद्र सरकार ने लैफ्टीनेंट जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी नूं साका नीला तारा का समुचा चार्ज सौंपया। लैफ्टीनेंट जनरल रणजीत दयाल नूं इस दा सहायक लाया गया जिन्हां ने रल के फौजी कार्रवाई नेपरे चाढ़न लई व्योंत उलीकी अते हमला करन दा निरीक्षण करन लई कोतवाली विखे हैडक्वार्टर स्थापित किया गया। एवें ही दिल्ली विखे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया जिथों समुचे रूप दे विच फौजी कार्रवाई की निगरानी जनरल वैद्या कर रहा सी। इस दे नाल राजीव गांधी, गांधी परिवार के विश्वास पात्र अरुण कुमार अते के पी सिंह दियो आदि नूं इस ग्रुप दे विच शामिल किया गया जो हर समय इंदिरा गांधी नूं जानकारी दिंदे रहे। दूजे पासे श्री दरबार साहब समूह के आले दुआले तैनात CRPF ते BSF दी थां सीधे तौर पर फौज ने कमांड सांभ ली। चौंक, घंटाघर, ब्रह्म बूटा मार्केट,
कोतवाली जल्लियांवाले बाग के आस पास उच्चियां इमारतों मोर्चियां का रूप दिता गया। चौंक बाबा अटल साहब, छत्ती खूही, आटा मंडी, झूठा बाजार, प्रताप बाजार, कटड़ा आलू वाली, भाव चार चौफेरे मुकम्मल तौर पर फौज ही फौज सी। इस दौरान पूर्वी घंटाघर के बाहर दो उच्चियां इमारतां जो कि घंटाघर तो भी उच्चियां सन, इत्थे फौज की भारी हलचल वेखी गई। इस घंटाघर उपर बने मोर्चे तो सिंह ने वेख्या कि एक करेन राही फौज इन्हां बिल्डिंगां ते तोपां चाढ़ के फिट कर रही है। फौजी जरनैलों की मंशा सी कि इत्थों सीधा श्री अकाल तख्त साहब ते तोपां नाल हमला किया जाएगा, जिस नाल श्री अकाल तख्त साहब के पछमी पासे के बने हुए मोर्चे नूं निशाना बनाया जाएगा, जिस नाल संत भिंडरांवाले अते उन्हां दे साथी अपने आप नूं फौज दे हवाले कर देणगे जां डरदे होए अपने मोर्चे छड्ड के चले जाणगे। शाम नूं कुछ पत्रकार फिर आए, अज इन्हां नाल विशेष तौर पर बीबीसी लंडन दे नुमाइंदे भी मौजूद सन, जिन्हां ने पूरे कंपलैक्स दे अंदर वक्-वक् थावां ते संगतां तों प्रतिक्रम लिया, फिर अकाली लीडर नूं भी प्रश्न कीते। इस दौरान सिंह साहिब ज्ञानी कृपाल सिंह अते सिंह साहिब ज्ञानी साहिब सिंह नूं भी मौजूदा हालातों बारे पुछया गया। इन्हां सभना ने ही करड़े शब्दों के विच केंद्र सरकार की आलोचना की अते सख्त चेतावनी भी दित्ती कि जेकर केंद्र सरकार ने दरबार साहिब अंदर फौज भेजी तो सिख कौम इस नूं बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तों उपरंत यह पत्रकार संत भिंडरांवाले कोल आए तो खास करके बीबीसी लंडन के पत्रकारां ने संतां नूं तिखे सवाल किए। उन्हां यह भी दस्या कि दरबार साहिब कंपलैक्स के चार चौफेरे फौज का घेरा है, वह तंग हो चुका अते शहर तो बाहर वड्डी गिणती विच फौज की आमद वध रही है। एवें जापदा है कि लखां ही फौजियां नाल दरबार साहिब की घेराबंदी की जा रही है अते फौज सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। इस बारे तुहाडा की प्रतिक्रम है, संतां नूं पुछिया उस पत्रकार ने। तां संतां ने आम वांग सहजे ही पत्रकारां नूं कहा कि मैं कई महीने पहला तो यही कहिंदा आ रहा हाँ कि केंद्र सरकार का सिखां प्रति रवैया बहुत घटिया है, इसलिए सिखां दीआं हक्की मंगां मनणा तां दूर दी गल, बल्कि पवित्र श्री हरिमंदर साहब ते फौजी हमला किया जा सकता है। एक बार नहीं सैकड़े बार मैं ये गल संगतां दे विच कह चुका हाँ। मैं पहला भी इहो कहा सी कि जे सरकार ने दरबार साहब ते हमला किया तो हमलावर फौजां नूं अजिहा सबक सिखावांगे जिसनों वह सारी उम्र याद रखणगे। बीबीसी लंडन के पत्रकार मार्क टली ने संतां नूं कहा कि फौजां लखां दी गिणती विच हन अते तुसीं मुठ्ठी भर सिंह हो, फिर की तुहानूं डर नहीं लगता? तो संतां ने कहा कि शेर कल्ला भी लखां भेड़ां तों नहीं डरदा। इस तों उसने फिर कहा कि फौज हैलीकाप्टर राही कमांडो भेज के तुहानूं फड़ सकती है। संतां ने उस तरह फिर जवाब दिता कि वह कमांडो भेज सकते हैं पर भेजे हुए कमांडो वापस नहीं जा सकणगे, जदों तक साढ़े शरीर में सवास हैं उदों तक उन्होंने हज़ार कमांडो भी सानू फड़ नहीं सकते, बाकी समा दसेगा कि की वापरदा है। इस तरह के सवाल करके ये पत्रकार इतों चले गए, पर जांदिया जांदिया भी आपस में उन्हां दी यही चर्चा सी कि संत भिंडरांवाले अते उन्हां दे साथी किसी भी कीमत ते फौज अगे आत्म समर्पण नहीं करनगे। सो बहुत सारिया संगतां हरिमंदर साहिब दर्शनां उपरंत पवित्र सरोवर में इशनान कर रही सन। इस तरह लंगर हाल दे विच भी संगतां दी गहमा गहमी सी। कुल मिला के हज़ारां दी गिणती विच संगतां गुरपुरब मनाउण लई हरिमंदर साहब विखे पहुँचियां होईयां सन। इन्हां विचों बहुत सारे सिख विशेष तौर पर संत भिंडरांवाले नूं मिल के हालात बारे जानकारी लै रहे सन। सब संगतां लई संतां दा सीधा अते स्पष्ट यही उत्तर सी कि केंद्र सरकार की नीयत माड़ी है अते किसे समय भी दरबार साहब उपर हमला हो सकता। जिमें जिमें दिन ढलन लगा तिवें तिवें कुछ संगतां दर्शन दीदारे करके वापस चले गई, पर बहुत सारिया संगतां इसे शरदा नाल इत्थे रुक गई कि रात नूं श्री अकाल तख्त साहब विखे जाण समय पालकी साहब दे दर्शन दीदारे, सवेरे पवित्र सरोवर में इशनान अते फिर पालकी साहब नाल जदों सतगुर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी श्री अकाल तख्त साहब तो हरिमंदर साहब नूं जाणगे उस वेले हाजरी भरन तो बाद इत्थों वापस जावांगे। इस तरह सारा दिन संगतां ते जथे दे सिंघां ने भी सेवा सिमरन करदिआं रागी सिंघां ने कीर्तनी ड्यूटी निभाउंदिआं सतगुरु पंचम पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब बहुत श्रद्धा सहित मनाया। हालांकि फौज की घेराबंदी कारण हालात भारी तनावपूर्वक पूर्ण सन, पर इस गल की सिख श्रद्धालुओं ने कोई परवाह ना की। हुण
श्री हरिमंदर साहब के चार चुफेरे फौज की घेराबंदी वेख के हर एक दे मन विच अजीब किस्म का शंका बनिया होया सी कि इत्थे कोई माड़ी घटना किसी वेले भी वापर सकती है। लगभग सूरज छिपे दौरान जथे दे सिंघां ने संतां नूं दस्सिया कि घंटा घर तो जल्लियां वाले बाग वाले पासे फौज ने उच्चियां बिल्डिंगां ते तोपां बीड लईयां हन। संतां ने सिंघां दी गल नूं गौर नाल सुनिया। जनरल सुबेग सिंह समेत 50 कु होर जिम्मेवार सिंघां नूं अपने कोल बुलाया संतां ने अते वख-वख थावां ते मोर्चियां लई सिंघां दी नियुक्ति कीती, जिवें अकाल रेस्ट हाउस सरां, गुरु रामदास समुंदरी हाल मतलब कि गुरु रामदास लंगर हाल, समुंदरी हाल, गुरु नानक निवास आदि फैडरेशन दे सिंघां नूं सौंप दित्ते गए, जिथे पहलां तों ही कुछ थावां ते बब्बर खालसा जथेबंदी दे सिंघ वी मोर्चियां विच मौजूद सन। दूजे पासे जे गल करिए आपां अकाल तख्त साहिब दे पछम वाले पासे अते इस दे नाल नाल इट्टां वाली ड्यूटी उपर बने मोर्चे विच हजूर साहब वाले जथे दे कुछ सिंघ फौजी गुरनाम सिंह, भाई गुरभजन सिंह असंध, भाई तरसेम सिंह घणीए के वांगर, भाई जगदीश सिंह बिल्लू, भाई शेर सिंह फौजी अते होर इन्हां सारे सिंह सन। इस तरह श्री अकाल तख्त साहिब दे पछम वाले पासे लाल इट्टां वाली ड्यूटी दे दरम्यान बने मोर्चे ते संतां दे भतीजे भाई हरदीप सिंह, सपुत्र भाई वीर सिंह, भाई चमकौर सिंह चंदनवा, भाई कुलवंत सिंह सद्दा सिंह वाला, भाई मनधीर सिंह, भाई जुगराज सिंह चौगावा अते गुरतेज सिंह चोटियां अते इन्हां दे नाल होर सिंह मौजूद सन। ते अकाल तख्त साहब दे नाल लगदे पूर्वी पासे मोर्चियां दे विच भाई गुरमेल सिंह फौजी, भाई रणजीत सिंह रामनगर, भाई तरसेम सिंह आदि इन्हां दे नाल डटे हुए सन, होर भी सिंह अते गुरद्वारा थड़ा साहब दे नाल लगदे मोर्चे दे विच भाई जोगिंदर सिंह रोडे बाई जी, भाई परसा सिंह रोडे, फौजी तरलोचन सिंह, भाई जसपाल सिंह श्री हरगोबिंदपुर, भाई जगजीत सिंह डल्ला हरचोवाल, भाई करनैल सिंह गुराया कोट, भाई निरंजन सिंह गंढे के, भाई राम सिंह वडाला अते इन्हां दे नाल होर सिंह मौजूद सन। इस तरह दोवें निशान साहिबां दे नेड़े गुरद्वारा श्री झंडा बूंगा अते इस दे नाल लगदे कमरियां दे विच संतां दे भराता भाई जगीर सिंह, भाई गुरदेव सिंह बिछनंदी, संतां दे भरा भाई जगजीत सिंह दे कुड़म, भाई गुरमुख सिंह किली चाहल, संतां दे भरा भाई वीर सिंह दे कुड़म, फौजी बखशीश सिंह, भाई हरचरण सिंह मुक्ता, भाई मान सिंह हरचोवाल ते इन्हां दे नाल होर भी सिंह सन जिहड़े इह उत्थे पूरे तालमेल दे नाल इक दूसरे नाल डटे हुए सन। पूर्वी घंटाघर तों बेर बाबा बुढ़ा जी दे अगले मोड़ वाली छबील तक भाई अवतार सिंह अलगों कोठी, भाई भिंडर सिंह अलगों कोठी, भाई गज्जन सिंह अलगों कोठी, भाई सवर्ण सिंह अलगों कोठी, भाई बलदेव सिंह पट्टी, भाई बलदेव सिंह कैरों, भाई गुरचरण सिंह वां, भाई गुरनाम सिंह वां इह इत्थे सारे डटे हुए सन। ते इस तों अगे मेन पूर्वी घंटाघर दे उपर अते हेठां अते नाल लगदे दोवें पासे कमरियां दे तहखाने दे विच भी युद्ध नीति नाल मोर्चे बने हुए सन। भाई जिथे भाई जोगिंदर सिंह फौजी चक राजू, संत जरनैल सिंह जी दे कुड़म, भाई गुरबख्श सिंह लंघेयाणा, भाई सुरजीत सिंह बंबे वाले, भाई तलोचन सिंह दहेड़ू ये सारे ही नाल होर भी सिंह डटे हुए सन। तो लंगर श्री गुरु रामदास दे विच उपरों थले तक लगभग 50 सिंघां ने मोर्चा संभालिया होया सी, जिन्हां दे विच मेन भाई दलवीर सिंह अभ्यासी, भाई सवर्ण सिंह रोडे संतां दे भतीजे, भाई सुरजीत सिंह रागी, भाई साहिब सिंह, भाई सुरेंद्र सिंह बलीपुर, भाई सुखविंदर सिंह गुरु का बाग, भाई सुखचैन सिंह जलालाबाद अते होर इन्हां नाल सारे ही सिंह डटे हुए सन। ते जिसकी कमांड बाबा ठारा सिंह जी कर रहे सन, इस जथे की कमांड बाबा ठारा सिंह जी हथ सी। इस तरह अकाल रेस्ट हाउस, गुरु रामदास सरां, गुरु नानक निवास तेजा सिंह समुंदरी हाल, गुरद्वारा मंजी दीवान साहिब हाल, गुरद्वारा बाबा अटल जी आदि वल पासे आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन अते बब्बर खालसा दे सिंह सन। विशेष तौर पर हर मोर्चे दे विच एक जां दो साबका फौजी सिंह मौजूद सन अते जिन्हां सिंघां नूं विशेष तौर पर जनरल सुबेग सिंह ने पिछले दिनों विच युद्ध नीति दे नुक्ते दसे सन वह भी हर मोर्चे दे विच मौजूद सन। श्री अकाल तख्त साहिब विखे संतां नाल भाई अमरीक सिंह प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन, भाई गुरमुख सिंह गड़वई, जनरल सुवेग सिंह, भाई सुजान सिंह मनावा, भाई रशपाल सिंह पीए तो अलावा 25-30 सिंह होर सन जो पूरी सुचेतता नाल समुचे हालात ते नज़र रख रहे सन। रात नूं 9 बजे दीआं खबरां दे विच टैलीविजन ते रेडियो राहीं दस्या गया कि सारे पंजाब विच 32 घंटे का करफ्यू लगा दिता गया है। इस समय पंजाब भर अंदर हर तरह दीआं गड्डियां बसां इत्थों तक कि बैल गड्डियां ते साइकलां दे चलाउण उपर भी पाबंदी ला दित्ती सरकार ने। होर तां होर एमरजेंसी की हालत विच किसी मरीज़ नूं हस्पताल नहीं सी लिजाया जा सकता। हवाई जहाज़ां दीआं उडाणां भी रद्द कर दित्तियां गईआं
ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਨ ਅਨੋਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਘੋ, ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤਨਾ ਨਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸਹਿਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਦਕ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੋ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋ ਤਨੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਡਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ 4 ਜੂਨ 1984 ਦੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਵੋ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।